प्रथम तहलका न्यूज। करीब 40 दिनों के बाद लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही दुकानें खुलनी शुरू हो गई। दुकानें खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचे। सबसे अधिक लोग हेयर सैलून में दिखाई दिए। लोग अपने साथ अपना सामान लेकर बाल कटवाने के साथ साथ अपने निजी काम करने के लिए हेयर सैलून में पहुंचे थे। दरअसल दुकानों में जाने से पहले एहतियात के लिए लोग अपना तौलिया और अपना सामान लेकर पहुंचे थे। यहां पहुंचे लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने जो ढील दी है उससे आम जन को काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से उनकी हालत खस्ता हो गई थी और आज ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलने के बाद वे खुद को कुछ व्यवस्थित कर पाएंगे। वहीं दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने औजारों को सैनिटाइज करते हुए दिखाई दिए। क्या सावधानी बरत रहे हो आप कोरोना वायरस की? जो सरकार ने हिदायतें दी हैं कि आप हम अपना टावल घर से लेके आए जी अपना, ठीक है जी। और जो सरकार ने इनको हिदायतें दी हैं कि सैनिटाइज करना है, जैसे कैंची है, कंघा है, ये सरकार के दिए आदेशों की पालना कर रहे हैं पूरे तरीके से। कंघी को, कैंची को या मशीन है जिसका भी इस्तेमाल करते हैं उसको सैनिटाइज करके फिर उस चीज़ उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग कर रहे हैं, जो सरकार के निर्देश दिए उनकी पालना हो रही है। मेरा नाम सुशील कुमार है। की विचार कर रहे हैं कोरोना वायरस को? कोरोना वायरस को आज जिम्मे इन्ने दिन बाद सैलून खोले है तो आपका सैनिटाइजर करके आ रहे हैं, तो इतने दुकान पर आके भी सैनिटाइज किया, आपका टावल यूज कर रहे हैं, तो बाकी जो सरकार प्रीकॉशन दे रही है वो यूज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल जी, सोशल डिस्टेंसिंग नाल ही इतने काम कर रहे हैं, पूरा वह ध्यान रखा जा रहा है। थैंक यू। मेरा नाम कुमार है। क्या सावधानी बरत रहे हैं कोरोना वायरस? सही प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं जी। हम सैनिटाइज से पहले कस्टमर आता है, हैं उसके हाथ धोते हैं और उसके बाद चावल खुद ले आता है कस्टमर, ठीक है। और कैंची को सैनिटाइज करते हैं, ठीक है, कंघी को करते हैं। और हम सावधानी बरत रहे हैं, 40 दिन से आज हमारी दुकान खुली है और हम पूरी प्रकार की सही प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा? हाँ, ध्यान रखते हैं। जो अपना टावल वगैरह नहीं लेके आता कस्टमर उसकी कटिंग वगैरह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।